इतनी धूल है कि बाइक पूरी फिसल रही है। ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ विनय आए विनय ने, ओ भाई आप देखो, आप एक बार व्यू सामने, ये बर्फ की दीवार देख रहे हो बिल्कुल लेफ्ट राइट में, दिस इज ब्यूटीफुल, और सामने बर्फ की चादरों वाले पहाड़। तीन हाँ, हाँ, स्टैंड लगा। ओ भाई विनय बाबू भी लपेटे में आ गए। अब रुकना मत भाई, विनय कैसा गिरा इसका अंदाजा आप इस चीज से लगाओ, पीछे कपड़े देख रहे हो कितने रोल किए पे विनय। विनय रुकना, मेरी सांस बहुत तेज उखड़ रही है। गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी हमें गोम्बू क्रॉन्जन में, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि धूप जो है स्टार्ट ही हो गई थी, मैंने सुबह सुबह व्लॉग खत्म कर दिया था 5:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6, आधे घंटे में क्या किया आपको बताते हैं। देखो धूप कितना नीचे तक आ गई, इस पहाड़ पर भी कितनी सही लग रही है, अभी देख रहे हो आप बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। और मैंने एक काम किया, विनीत बाबू उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, बाकी जनता पसरी पड़ी है। बाइक देखो आप चमका दी ना बिल्कुल, चगा चक पहनिए मैंने, देखे कितने गंदे, पिछले लोगों ने देखे थे, देखो जहाँ कितने गंदे थे, बिल्कुल साफ। हालांकि मेरे को पता है कि 2-3 घंटे में फिर वही हाल हो जाना है, आधे घंटे में एग्जैक्ट, पर ठीक है यार जब निकलो ना तब बाइक चगा चक होनी चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। ये भैया गाड़ी स्टार्ट करके सो रहे थे, मैं 4:30 बजे सुसु करने गया तो इनकी गाड़ी स्टार्ट थी और गाड़ी ऑन थी ना। एनीवेज सीजे भाई भी उठ चुके हैं, मॉर्निंग सीजे भाई, नींद इनकी ठीक ठीक रही, ही गॉट हिज स्लीप इन बिट्स एंड पीसेस। 4 बजे उठे, सब लोग उठे ना 3-4 बार रात में। चलो अभी चलते हैं गर्म पानी ढूंढते हैं भैया के पास, शायद मिल जाए, भैया ही कहीं लुढ़के ना पड़े नींद में। भैया जी गुड मॉर्निंग, सॉरी आपको बहुत ही जल्दी परेशान किया हमने। विनय बाबू, अरे ओ विनय बाबू, अरे नींद में आ रही, तो चलो पहले सोने दो। तो भाई सारा सामान हो गया है पैक, आप देख रहे हो सारे लोग रेडी हो गए, पेमेंट हमने कर दिया। ये जो कैंप है इसका प्राइस जो हमें पड़ा है 1100 पर पर्सन इंक्लूडिंग शाम का स्नैक एंड मतलब ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो बढ़िया है। और अरे हमारा ब्रेकफास्ट इसमें है, इतनी रिमोट जगह में पहली बार यहाँ कैंप लगे हैं, आगे भी हैं तो आप वहाँ भी लगा सकते हो, कोई नाम वाम नहीं है कैंप्स का, भैया बहुत ही अच्छे हैं मैंने बता दिया, आप आओ यहाँ इनसे ले लो रूम, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जल्दी आना क्योंकि कम कैंप्स हैं, जल्दी भर जाते हैं। भाई हाइनेस तो बिल्कुल आराम से चार्ज हो गई, स्टार्ट हो गई C500X को, देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती, आराम से पूरी नहीं हुई एक बार में। हो यार विनय हाइनेस ज़्यादा आसानी से स्टार्ट होती है ना। ये थोड़ा सा खड़ुन खड़ुन हो गई। सो बाय बाय गोम्बू क्रॉन्जन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जाएंगे आज कहाँ जाएंगे आपको लास्ट में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि हमें भी नहीं पता है। सारे लोग अपने टेंट्स जो है समेट रहे हैं, धूप आ गई यार बढ़िया, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, ग्लव्स के नीचे फ्लीस पहन लिए हैं। फिर से अभी भैया सिंकुला पास करना है जो कि बहुत ही खतरनाक पास है, लोग एक बार करके थक जाते हैं, हमें 2 बार करना है, वो भी एक ही दिन के अंतराल। ओ लुक एट द व्यू, लुक एट द माइटी गोम्बू क्रॉन्जन, धूप आते ही कितना सुंदर लगने लगता है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अभी ना सुबह सुबह उतना पानी नहीं होता है रास्तों में क्योंकि बर्फ़ उतने जल्दी पिघलती नहीं है, तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। अरे आ गई वाटर क्रॉसिंग विनय बाबू, ओए क्या साफ पानी है यार। एग्जैक्टली, एटलीस्ट रिम तो धुल जाएंगे एलॉयज।
ब्यूटीफुल रास्ता भाई, ब्यूटीफुल। अब फिर आ गया, क्या कह रहे थे सुबह पानी कम होगा? आओ बेटा, फिर साला ये बोला तो सेकंड गियर में निकाल ले गया मैं। साली बाजू में दर्द हो जाती है लेकिन पानी में, है ना, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, हाथ ना दर्द होने लगते हैं जब आप पानी में निकालते हो। तो कल हम लोग जब इस रास्ते से आ रहे थे तो हम लोगों को कैंप लेने की इतनी जल्दी थी कि हमने कुछ देखा ही नहीं कुछ, बस भगाते हुए आँख बंद करके सीधा बैलों की तरह दौड़ते चले आ रहे थे। आज हमें पता चल रहा कि रास्ता मुश्किल था यार, हम बड़ी तेज़ी से निकल गए इस पर कल। इट वॉज नॉट दैट ईजी। और ये देखो लद्दाखी याक याक, बड़े सही लग रहे हैं, धूप सेंक रहे हैं ये भी निकल के सुबह सुबह। क्या व्यू है, क्या नदी है, इंजॉय करते हुए याक भाई, नेचर का यार अपना चाम है, देख रहे हो। कल ये सब हमने देखा ही नहीं है, बस गधों की तरह बाइक चलाते चले आ रहे थे। जो ये सोचते हैं ना इंसान कि हमने ना बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में, एक बार यहाँ आओ भाई, पता चलेगा कि हम क्या हैं और नेचर क्या है। इतनी धूल है कि बाइक पूरी फिसल रही है। हाँ अब हाँ ठीक हो गए। सीजे भाई निकल गए मस्त, बेहतरीन। इनकी बाइक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, अपने पेलते हुए चली जाती है बिल्कुल। विनीत तुम निकलोगे? निकलो। ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भयंकर भाई साहब। Yo! ओ भाई जान निकली जा रही बाइकों की यहाँ पे। रास्ता है कहाँ? क्या बात है, विनय ने आए। विनय ने तुम्हारा हाथ देख के हमें पता चल गया कि तुमने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा थ्रॉटल घुमाया है भाई, बकरी के कान की तरह उसको जो है घुमा दिया तुमने। बाइक के हॉर्स पावर के साथ साथ विनय ने अपने हॉर्स पावर भी लगाए थोड़े से भाई। ये तो बहुत ही टफ, अरे एकदम से फिसल सी गई मेरी बाइक, बर्फ है ना। ओ मैन, हाँ आराम आराम से आना बिल्कुल, काफी तेज जो है स्लिप हो रही है बाइक। क्या फिसले यार यहाँ पे इस बर्फ में, लगी नीचे आपकी? अच्छा भाई की दिक्कत हो गई क्या, फंस गई भाई की जावा? अबे दम नहीं लगा रही भी ना जावा उसकी। हाँ वो टफ वाला पार्ट निकल गया। ओह मैन क्या खतरनाक रास्ता है। शेविंग फोम ना, हाँ ये देखो शेव बर्फ सही में शेविंग फोम जैसी दिख रही है बिल्कुल। मुंह पर लगा के बनाने दाढ़ी आज, और दाढ़ी ऐसी जाएगी कि जिंदगी भर आएगी नहीं वापस कभी। लेजर ट्रीटमेंट हो जाएगा एक ही झटके में। मैन हाँ तो भाई अफ्रीका ट्रेन भी सुई सुई हो गई। अरे नहीं आएगा, हेलमेट तो पहन रखा, निकल गई। पर थोड़ा डिस्टेंस बना लो आप, फिर मैं निकालता हूँ, है ना। क्योंकि अपने पास भाई इतनी पावर तो है नहीं, तो अपन वेलोसिटी से काम कर। व्हाट अ व्यू, जूते भीग गए। हेलो जी, फिर से पहुंच गए सिंकुला पास। 16,580 फीट पे हम लोग इस पर चला रहे हैं बाइक। सारी बाइक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अब जल्दी से उतरते हैं नीचे
मैन इट वॉज एडवेंचरस, मजे आ गए भैया, दिल खुश हो गया। हाँ नज़ारे देखो, कल दिक्कत नहीं थी, कल इसमें बर्फ़ नहीं थी, आज ना इस रास्ते में बर्फ़ जमी है रात भर की। हाँ कल सिर्फ पानी था, आज ये आज काला खट्टा बन चुका है। कल यहाँ पानी था, आज यहाँ काला खट्टा कुल्फी बन चुकी। ओ भाई साहब क्या सही यार रोड है ये, सफ़ेद सफ़ेद सी। अरे फट गई भैया, भैया घोड़े लग गए। ऑन द रॉक्स एडवेंचर है ये। मैन ओ भाई, अब देखो आप एक बार व्यू, सामने ये बर्फ की दीवार देख रहे हो बिल्कुल लेफ्ट राइट में, दिस इज़ ब्यूटीफुल, और सामने बर्फ़ की चादरों वाले पहाड़, तो आप समझ सकते हो आप सर्दियों में, जब अभी 10 फीट की चादर है तो सर्दियों में तो कितना होता होगा। अबे कितने लोग ले जा रहे हैं भाई विनय, तो भाई हम लोग आगे निकल गए रास्ता, ले का रास्ता ऊपर जा रहा था, तो लो भाई यहाँ से कट लिए ले, और ले अभी यहाँ से 326 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे बाइकर्स ले जाते हुए इस रोड पे आपको दिखेंगे, जबरदस्त बाइकर्स कपल्स फ्रेंड्स। तो पहला टारगेट भाई सरचू क्रॉस करने का, सरचू क्रॉस करते हैं, उसके बाद तो जो खतरनाक धूल धक्कड़ वाला रास्ता है यार, वो अगर थोड़ा सही मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर तो बैंड लग जाएगी। तो भाई ये आ गया दीपक ताल, एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। पानी यार बहुत साफ है, कुछ भी कहो ना। पानी तो भाई साहब बहुत ही साफ है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा है ना। फंसेंगे भी नहीं, फंसेंगे मुझे लग गया जाम। ओ भाई ये बलिनो क्या कर दिया है, ये ट्रक से चूम के आई है ये। आ जाएंगे आ जाएंगे यार विनीत, आ जाएंगे अब तो, चलो मूव अहेड मूव अहेड। ओ भाई विनय ने आगे थार रुकवा दी, अब हम निकलेंगे शान से, जल्दी चलो भगवा दो विनीत, भटकना मत बस। भाई क्या बड़े बड़े पत्थर हैं, ओ भाई मैं तो गिरता गिरता बचा। मारो रेफ, चलो सर जी कुछ नहीं, टेंशन फ्री हो गए, चलो बिल्कुल। राइट में आप देख रहे हैं सूरज ताल, बहुत ही सुंदर, इतनी साफ सुथरी ये लोकेशन है यार, मतलब इस ताल को देख के हमेशा दिल खुश हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार, खड़े होकर दिखाते हैं आपको, देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। अभी पानी कम है इसमें, जनरली काफी बड़ी ताल है। काफ़ी बड़ी ताल है ये, इस बार पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन पानी का कलर देखो आप, मैन व्हाट अ ब्लू कलर। तो भाई सूरज ताल तो हो गया कवर, उसके बाद व्यू देखो आप क्या शानदार है, बारालाचला पास बस आने ही वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बारालाचला पास, और यहाँ लगा जाम भाई, पता नहीं किस चीज़ का, दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी उल्टी खड़ी है भाई, देख रहे हो। सो ये 4850 मीटर बारालाचला पास, क्या बात है, एक दिन में दो पास कंकर कर लिए। सिंकुला दैट इज 16,600 फीट, एंड बारालाचला 4850 मीटर, यानी कि अराउंड होगा ये 14,000 फीट के आसपास। अब ये गलत रास्ता तो नहीं है, आप रोड से आना सीजिए भाई, फिर देखें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं हम लोग। तो अभी हम सोच रहे हैं ये पूरा लूप्स बचाने के लिए हम अगर सीधा वहाँ से चढ़ जाएं, वो रास्ते में जुड़ रही है विनय की, नहीं जुड़ रही है, जुड़ रही है ना, ये किया जा सकता है यार। चल भाई
ओ भाई हमने पूरे लूप छोड़ दिए हैं, ओ भयंकर ऑफ रोडिंग। आप आगे निकलो सीजे भाई, भाई साहब जबरदस्त एडवेंचर करने वाले हैं हम लोग। ये बस ऐसे रेस्ट मारने आए थे, हम लोग जाएंगे, अब होगा आज असली एडवेंचर। हाँ चलो चलो विनय चलो। ओ भाई विनय देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है यार भाई, स्टीफ है ना। ओए ओए विनय आगे चढ़ता हुआ, आई डोंट नो, विनय हिम्मत ही लौंडा है। ओ चलो भैया जय बजरंग बली, भयंकर ऑफ रोड। इतनी देर में हम रोड रोड के लूप क्रॉस करके ले आते हुए। सीजे भाई खींचते रहो, रुकना पड़ेगा क्या? ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विनय विनय रुको 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 रुको, नो इश्यूज। हाँ अबे कितनी ढलान है ये, मैं दौड़ता चला आ रहा हूँ, बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है। नो शिट, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से पकड़ना है? तीन। हाँ तीन। हाँ स्टैंड लगाओ। स्टैंड लगा दो आप किसी तरीके से। बाइक में तो कुछ नहीं हुआ ना, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। हो भाई सीजे भाई निकल गए, हाँ हम लोग निकलते हैं। हाँ आप गए यार बिना। ओ भाई निकल लिए, एडवेंचर इसी में भी नहीं है बस, सही कि नहीं? रास्ता रास्ता साला बोरिंग हो जाता है। किधर से चलें, सीधे चलें या आपके पीछे पीछे हैं? आपके पीछे पीछे, हाँ इधर ही ठीक है। ओ भाई माजो आ गो। अरे ये देखो ये क्या है विकन विनय, ओह ये इनका बिल है, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं यार ये, नेवले जैसे बड़े बड़े गिर गए। अरे एक मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं वेट करो बस। ओ भाई विनय बाबू गिर गए, नहीं नहीं ओ भाई विनय बाबू भी लपेटे में आ गए। एक बार रुकना, पकड़ने दो मेरे को एक बार, उठाओ। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। स्टैंड लगाओ, तो स्टैंड लगे कैसे यहाँ पे? अरे मैं शुरू हो गया। इधर को क्या करना है अभी, हाँ मैं पकड़ लूँगा, आराम से आराम से आराम से खींचो। ओ भाई गिर जाएगी मेरी, हाँ ठीक है आ रही है, खींचो 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 खींचो। चलाऊँ? पकड़ ली, रुको मैं इधर से पीछे से ना ना बैठ रहा, जितना होगे तो थक जाओगे। चलो कपड़ों की हालत देखो, अरे बड़ा अब रुकना बस। मेरी सांस बहुत तेज उखड़ रही है। Thank you.
भाई मेरी ऐसी सांस चढ़ गई ना कि मैं तो चला नहीं जा रहा। ऊपर चलते मैंने जैकेट वैकेट सब खोल दी भाई। भाई ये ऑफ रोड तो बहुत भारी पड़ गया। इट वॉज ब्रेथ टेकिंगली फन। सांसें कम पड़ गई थी। क्या चीज़ जीरो नहीं हुआ था तो आपने पूरा बंद नहीं किया होगा फिर। भाई विनय कैसा गिरा इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगाओ। पीछे कपड़े देख रहे हो कितने रोल किए पे विनय। हो गया आज का एडवेंचर, अब नहीं करना और एडवेंचर। दो रोल मार दिए विनय। एनीवेज बहुत तेज आवाज चल रही थी, आवाज यार खराब हो रही होगी। बैंड बज गई भाई इस ऑफ रोड में। बट निकलेंगे यहाँ से।